वाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडी स्पीक। आज नई रेसिपी के साथ आज बना रहे हैं गार्लिक फ्राइज। अगर भूख लगी है तो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, झटपट बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत ही क्रंची और टेस्टफुल बनेगी, तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके सब इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अज़ा बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, ऑर्गेनो 2 आलू, स्पाइसेस में सुर्ख मिर्च, लहसुन का पाउडर, काले मिर्च, नमक, जीरा। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है, लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आलुओं को मोटा मोटा काट लेंगे। जब आलू कट जाएं, इसमें सब स्पाइसेस शामिल करेंगे, मैदा कॉर्नफ्लावर भी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। अब इसमें 2 घूंट पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसमें ऑर्गेनो शामिल करेंगे। कढ़ाही में ऑयल शामिल करके गर्म होने का वेट करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 by 1 चिप्स शामिल करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि चम्मच नहीं चलाना इसमें। अब साइड चेंज करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे। गार्लिक फ्राइज जब ब्राउन हो जाए, इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आप इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जब भी भूख लगे एज अ स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। बहुत ही क्रंची और टेस्टफुल बनेंगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।
Wow!